नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान, वहीं मिजोरम में अब विधानसभा चुनाव हो चुका है। ऐसे में अब मध्य प्रदेश की सत्ता लगातार गर्माती नजर आ रही है। बता दें कि अब मध्य प्रदेश में मायावती ने भी पूरे जोरों शोरों से एंट्री मार ली है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में सतना में सभा की। सतना के बीटीआई मैदान में मायावती ने बीएसपी को वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में पूरी ताकत, तैयारी और दमदारी से बीएसपी चुनाव लड़ रही है। मायावती को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जनता मौजूद थी। मैदान में खड़े होने तक की जगह नहीं थी। बता दें कि दावा यह किया जा रहा है कि करीब 30,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और जनता मायावती को सुनने के लिए मौजूद थे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में अलग अलग सरकारें रही हैं, अलग अलग दलों की सत्ता रही है, लेकिन किसी भी दल ने सर्व समाज, गरीब, आदिवासियों, किसानों और छोटे व्यापारियों का विकास नहीं किया। मायावती ने आगे कहा कि खासकर दलित, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को यह बताना जरूरी है कि बाबा साहब के प्रयासों से लाभ मिला है। भाजपा देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो धनी लोगों की मदद से नहीं, बल्कि अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की मदद से चुनाव लड़ती है, ताकि वह सर्वहित की बात कर सके। इसी के दम पर भाजपा ने यूपी में 4 बार सरकार बनाई। बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी सरकार ने कभी भी आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया। यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। यहां तक कि निजी क्षेत्र में सरकार आरक्षण पर ध्यान ना देकर काम कर रही है। बता दें कि इससे दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी काफी नुकसान हो रहा है। मंडल कमीशन के अनुरूप लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमने बीपी सिंह की सरकार मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की शर्त पर समर्थन दिया था। बीपी सिंह ने हमारी बात मानी और मंडल कमीशन लागू कर बाबा साहब को भारत रत्न दिया। तो किस तरीके से अब मायावती ने एमपी में भी एंट्री मार ली है, और कहीं ना कहीं अब इससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों का वोट बढ़ता नजर आएगा। फिलहाल मायावती के इस फॉर्मूले पे आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नई आवाज।